हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं होटल के रेस्टोरेंट में। यहां पे अभी हमें ब्रेकफास्ट सर्व होने वाला है। सुबह के 8 बज गए हैं और मैं आपको दिखा देता हूं कि होटल के रेस्टोरेंट से बाहर की जो वैली है वो कैसे दिखती है। यहाँ से आप कुछ पैगोडास देख रहे हैं जो कि बुद्धिस्ट रिलिक्स हैं। यहाँ पे जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन में काम आते हैं, बिल्कुल प्योर वाइट, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो फ्रेंड्स, आज का प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके हमारी गाड़ी आ जाएगी। हम आज जाएंगे शाम वैली की ओर। शाम वैली श्रीनगर से जब आप आते हैं लेह की तरफ, तो नेशनल हाईवे के ऊपर ये शाम वैली स्थित है और यहाँ पे देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि यहाँ पे एंशियंट मोनेस्ट्रीज हैं, आलची मोनेस्ट्री, लेकिन मोनेस्ट्री, और इसके बाद मैग्नेटिक हिल, फेमस मैग्नेटिक हिल भी आज देखेंगे हम। मैंने मैग्नेटिक हिल पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने मैग्नेटिक हिल का जो फिनोमिनन है उसको एक्सप्लेन किया है। तो वो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में जा करके उसे भी देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद हम देखेंगे पत्थर साहब गुरुद्वारा, और भी कई चीज़ें हैं देखने के लिए, तो वो मैं बता दूंगा, अपडेट करता रहूंगा। तो ब्रेकफास्ट आ गया है फ्रेंड्स। ब्रेकफास्ट में हमें मिला है ऑमलेट एंड ब्रेड। ये पराठा मैं खा ही रहा हूँ, आलू का पराठा है। इसके साथ दही है, मिल्क, और चाय भी दिया है इन्होंने, काफ़ी कुछ है। जो आप ऑर्डर करेंगे वो मिल जाएगा। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं मिलता हूँ आपको गाड़ी में, जब हम आगे अपनी जर्नी शुरू करेंगे। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेकफास्ट के बाद हम निकलेंगे शाम वैली के लिए, तो हम निकल चुके हैं। और जो पहला स्टॉप है टुवर्ड्स शाम वैली, जब हम जाते हैं ले से, तो ये और मेमोरियल एक पड़ता है जिसको कहते हैं हॉल ऑफ फेम। तो इस हॉल ऑफ फेम को पहले चेकआउट करेंगे। आइए देखते हैं हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम के बाहर खड़ा हूँ और ये चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, एक ही खूबसूरत पहाड़ियाँ। यहाँ पर हॉल ऑफ फेम है, इसके अंदर म्यूजियम है जहाँ पे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं हमारे गौरवान्वित इंडियन सोल्जर्स के, जिन्होंने कारगिल युद्ध को जीता था और वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो उनके सारे रिलिक्स और आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं म्यूजियम में, तो ये आप देख सकते हैं। एंट्री टिकट इज़ 200 रुपीज़ और वीडियोग्राफी के लिए 120 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। यहीं पे शाम को एक साउंड एंड लाइट शो भी आयोजित होता है, वो शाम के 8 बजे होता है। आप आकर के, इसी टिकट में इंक्लूडेड है साउंड एंड लाइट शो, उसे भी आप देख सकते हैं, उसका भी आनंद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे कुछ सब्सक्राइबर यहाँ मिल गए, इनके साथ मैं यहाँ बातचीत कर रहा हूँ, और ये भी टैग अलॉन्ग होना चाहते हैं इसी वीडियो में। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अंकित फ्रॉम चंडीगढ़। हाय, माय नेम इज नेहा फ्रॉम चंडीगढ़। हाय, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आई एम चंडीगढ़। तो आइए मिलकर देखते हैं हॉल ऑफ फेम को, जहाँ पे हमारे इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया है और करते रहेंगे, उनके सारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा लद्दाख का कल्चर भी यहाँ देखने को मिलता है। जय हिंद, जय हिंद। अब ये वीडियो हम सब आपके साथ देखेंगे। हमारी टीम आपके साथ। प्लीज सब्सक्राइब फ्रेंड्स।
सारे फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब, काफी सब्सक्राइबर यहाँ मिल जा रहे हैं मेरे को, अच्छी बात है। और आपके सब्सक्राइबर्स को और ज्यादा बढ़ाएंगे। कुछ नहीं फ्रेंड्स, ये बाहर जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे पूरा एक मेमोरियल बना हुआ है कारगिल युद्ध का, और यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय तिरंगा फहरा रहा है पूरे गर्व के साथ। चारों तरफ ये पहाड़ियाँ हैं, आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मौसम यहाँ लेह लद्दाख में, मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने का। थोड़ी देर पहले धूप थी लेकिन अब पूरे बादलों ने घेर लिया है इस जगह को। तो ये वॉर मेमोरियल हॉल ऑफ फेम, जब भी आप आए अपने आइटनरी में ज़रूर शामिल करें। शानदार म्यूज़ियम है और यहाँ पे आप लाइट एंड साउंड शो भी देख सकते हैं। हमारे भारतीय सोल्जर्स जो हमें गौरवान्वित करते रहते हैं, उनके लिए, ख्याति के लिए, उनके प्रेस के लिए ये हॉल ऑफ फेम बनाया गया है लेह। इसे देखना ज़रूरी है। बोलो जय हिंद, जय हिंद। फ्रेंड्स, हॉल ऑफ फेम हमने देख लिया, बहुत ही अच्छा लगा म्यूज़ियम। शाम को आकर के 8 बजे हम यहाँ पे साउंड एंड लाइट शो भी आज देखेंगे, टिकट इंक्लूडेड है इसी में। और एक बात है कि ये टिकट साउंड एंड लाइट शो का 7 डेज तक वैलिड है। फ्रेंड्स, हॉल ऑफ फेम देखने के बाद जब हम रोड से आगे जाते हैं टुवर्ड्स आलची म्यूज़ियम, टुवर्ड्स आलची मोनेस्ट्री, तो ये पत्थर साहब गुरुद्वारा पड़ता है। ये पीछे आप देख रहे हैं स्मारक, ये है गुरुद्वारा पत्थर साहब। और दूर से मैं आपको दिखाता हूँ पत्थर साहब को, पत्थर साहब गुरुद्वारा। इसका इतिहास मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले आप पत्थर साहब गुरुद्वारा के दर्शन कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये पटका मैंने बांध लिया है, गुरुद्वारे में एंट्री से पहले ये बांधना ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, आप इस खूबसूरत रोड को निहारते रहिए और आसपास की खूबसूरती को भी देखते रहिए, जब तक मैं आपको पत्थर साहब गुरुद्वारे की कहानी बताता हूँ।
हुआ यूं था कि एक बार गुरु नानक देव जी यहाँ मेडिटेशन कर रहे थे तो यहाँ एक दानव रहा करता था जो आम लोगों को परेशान किया करता था। उसने गुरु नानक देव जी पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़का दिया। नीचे आते आते वो बड़ा सा पत्थर मिट्टी में बदल गया। ये देखकर दानव को गुस्सा आ गया और वो उस मिट्टी पर जाकर खड़ा हो गया। तभी वो मिट्टी वापस पत्थर बन गई और वो दानव उस पत्थर पर अटक गया। उस दानव को ये एहसास हो गया कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और फिर उसने गुरु नानक देव जी के पाँव में पड़ गया और दया की भीख मांगने लगा। गुरु जी ने उसे माफ़ तो कर दिया पर शर्त रखी कि आज के बाद वो किसी को परेशान नहीं करेगा और उस दानव को मुक्ति दे दी। ये रॉक या पत्थर आज भी गुरुद्वारे के अंदर रखा हुआ है फ्रेंड्स, और इसके अंदर दो गड्ढे भी बने हुए हैं जहाँ दानव के पैर फंसे हुए थे। आप जब पत्थर साहब गुरुद्वारा जाएंगे तो ये पत्थर के दर्शन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये कहानी मैं अपने मन से बनाकर नहीं कह रहा, ये कहानी लिखी हुई है पत्थर साहब गुरुद्वारे के अंदर। जब आप पत्थर साहब गुरुद्वारे में जाए तो इस कहानी को आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं द लेजेंडरी मैग्नेटिक हिल में। गाइस, यही वो जगह है जहाँ पे एक फिनोमेना काम करती है कि अगर गाड़ी को आप न्यूट्रल में भी छोड़ दें तो गाड़ी अपने आप खिसक के ऊपर चली जाती है। मैं अपनी गाड़ी को दिखाता हूँ किस तरह से ये गाड़ी अपने आप ऊपर जाएगी, ये आप देख लीजिए। अब देख रहे हो फ्रेंड्स, गाड़ी अपने आप ऊपर आ रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारी जो गाड़ी थी वो न्यूट्रल पे होने के बावजूद भी ऊपर खींची चली जा रही थी। यही मैग्नेटिक हिल का है। मेरे पीछे आप मैग्नेटिक हिल कैफे देख रहे हैं और यहाँ पे खड़ी है ATV मोटरसाइकिल्स यहाँ खड़ी हुई हैं। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पर्सन 1000 रुपीज़ चार्जेस हैं और हाफ एन आवर के लिए आप ड्राइव कर सकते हैं। मैग्नेटिक हिल देखने के बाद अब हम पहुंच गए हैं संगम पॉइंट, जहां दो नदियों का संगम हो रहा है। एक है जंस्कार रिवर और दूसरा है इंडस रिवर। यहां क्लियर आप डिमार्केशन देख सकते हैं कलर का। जंस्कार का जो रंग है वो है मटियाली मडी कलर का है और जो इंडस है वो है ग्रीनिश, तो आप क्लियर देख सकते हैं। और इस पॉइंट में आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे दो पानियों का यहाँ संगम हो रहा है, दो नदियों का, और यही संगम स्थल है जंस्कार एंड इंडस का। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे नज़ारा मुझे दिख रहा है वैली का। तो जो शाम वैली के बारे में मैं आपको कह रहा था सुबह, दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द शाम वैली। बिल्कुल पिक्चरस है ये प्लेस, लाइक किसी ने ड्राइंग किया हो अपने हाथ से। और कुदरत का एक बहुत ही ज़्यादा करिश्मा, एक यहाँ फिनोमिनन नेचुरल फिनोमिना आप देख सकते हो, दो रिवर्स किस तरह से संगम करती हैं, इसका क्लियर एग्जांपल है यहाँ पे। आप जब भी लेह लद्दाख आएँ ये संगम पॉइंट में ज़रूर आएँ, जहाँ पे आपको दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, जंस्कार एंड इंडस रिवर का। यहाँ से चलते हैं अब आगे आलची मोनास्ट्री की तरफ। दोस्तों, व्हाइल गोइंग ऑन द वे टू आलची मोनास्ट्री, मुझे ये बहुत ही खूबसूरत हरा भरा इस डेजर्ट के अंदर हरा भरा एक गांव दिखा जिसका नाम है निम्मू गांव, निम्मू विलेज। कितनी हरियाली है यहाँ पे देखो दोस्तों। इस बैरन लैंड में भी इस तरह से ग्रीनरी आपको दिख जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे रुका और अपने बात को स्ट्रेस करने के लिए मैं ये वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। आप देखिए इस गांव को,
ये वाइट पगोडा आपको दिख रहा होगा, मिल्की वाइट पगोडा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये ग्रीनरी, पैच ऑफ ग्रीनरी इन दिस बैरन बे? बहुत अच्छा लगा मुझे तो। आलची जाते हुए ये बीच में पड़ेगा आपको निम्बू गांव, निम्बू विलेज। तो जब भी आप आलची की तरफ जा रहे हो, एक बार 5 मिनट के लिए ही सही ज़रूर रुके निम्बू विलेज में। यार आलची मोनास्ट्री का रास्ता आने का मैंने आपको दिखाया, इतना खूबसूरत रास्ता आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना खूबसूरत रोड है आलची मोनास्ट्री आने के लिए। और अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं आलची मोनास्ट्री, वहीं पे जा रहे हैं, जाके देखते हैं आलची मोनास्ट्री को। बहुत ही खूबसूरत ऑथेंटिक ब्रास के आइटम्स यहाँ बने हुए हैं, सिंपली ब्यूटिफुल, ऑसम। ये राधा कृष्ण की युगल मूर्ति देखिए कितनी सुंदर बनी हुई है। कितने का है? मंदिर वाला? हाँ, 150। किसका ये ब्रास का है? पूरा पूरा आपका ये स्टोन लगा, हम हाथ के बनाते हैं। हाथ के स्टोन से बनी, हम खुद बनाते हैं। आप लोग आलची में ही रहते हो? यहाँ 4 महीना और 6 महीना गोवा। 6 महीने गोवा में? गोवा में? अच्छा, गोवा में भी शॉप है आपकी? गोवा में ज्वेलरी की शॉप है, चांदी। अच्छा, कहाँ? अंजुना बीच में? अंजुना बीच में, हाँ, मार्केट। हाँ हाँ, अंजुना में तो मैं गया हूँ, मैंने देखा है ये ऐसा। टिबेटन मार्केट? टिबेटन मार्केट, करेक्ट। क्या क्या लेके जाऊँ? क्या क्या लेके जाऊँ? सारी चीजें अच्छी लग रही है मेरे को तो। हम भेज देंगे पार्सल कर आपको, बहुत ही मिलेगा। आप खाली पैसा निकालो बस। बड़े खूबसूरत टिबेटन मास्क बने हुए हैं यहाँ, देखिए। बड़ा ही सुंदर सा टिबेटन मार्केट यहाँ लगता है आलची मोनास्ट्री में। लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छे लोग भी हैं, बोला। बहुत अच्छे लोग हैं वाकई। खासकर अलची, अलची में हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, आप लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा। हाय, आप लोग इतने अच्छी जगह रहते हैं तो अच्छा तो होना ही पड़ेगा। आप बुद्धा के साथ रहते हैं। मतलब क्या क्या ऑथेंटिक चीजें यहाँ पे है आप देख सकते हैं आके आलची मोनास्ट्री में। All Tibetan original items.
फ्रेंड्स, वी हैव रीच द गेट ऑफ आलची मोनास्ट्री। बहुत ही खूबसूरत टिबेटन आर्किटेक्चर यहाँ बना हुआ है गेट पर ही। वेलकम टू आलची चोस्खो। फ्रेंड्स, आलची मोनास्ट्री के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो इस वजह से मैंने फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर पाया। पर बाहर से आप देख सकते हैं इसको, अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल है। बुद्धा के जो इनकार्नेशंस हैं, लाइक अवलोकितेश्वरा, मंजूश्री और पता नहीं क्या क्या, इन सब के वहाँ पे स्टैचूज बने हुए हैं, आइडल्स हैं। ये सब आइडल्स बने हुए हैं वहाँ पे, साक्य बुद्धा, ऐसे 4-5 आइडल्स हैं। और भी बहुत सारे मूर्तियाँ बने हुए हैं तांत्रिक आर्ट के। ये जो आलची मोनेस्ट्री है फ्रेंड्स, ये 1035 AD में बना हुआ है, और इतने ही पुराने यहाँ पे रेलिक्स रखे हुए हैं। तो टिबेटन आर्ट एंड कल्चर का ये एक स्टोर हाउस है फ्रेंड्स। और यहाँ से आप देखिए इंडस रिवर का क्या मनोरम दृश्य नज़र आ रहा है, क्या बात है। आलची मोनास्ट्री में आके ऐसा लगता है जैसे मैं वाकई में स्वर्ग में आ गया हूँ। इट इज द एटमॉस्फेयर हेयर इज वेरी वेरी हेवनली। आप ये पहाड़ों को देखो, आप यहाँ पे घंटों मेडिटेशन में चुपचाप बैठे रह सकते हैं। और ये जो पानी की जो कलकलाहट है, ये आपको मेडिटेट करने में बहुत बहुत मदद करेगी। इन पत्थरों का कलर देखो फ्रेंड्स, जैसे जैसे धूप पड़ती है दिन के अलग अलग समय में इनमें से अलग रंग और छटा नजर आती है। फ्रेंड्स, दिस आलची मोनास्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई रिनचेन ज़ांगपो। बुद्धिज़्म के बहुत बड़े ट्रांसलेटर थे रिनचेन ज़ांगपो। वे संस्कृत में पंडित तो थे ही, साथ ही उन्होंने जितने भी संस्कृत के लिटरेचर थे बुद्धा के ज़माने के, वो सारे टिबेटन में ट्रांसलेट किया और लोगों को शिक्षित किया। उन्होंने ही यहाँ पे आलची मोनास्ट्री में कश्मीरी स्कल्पचर्स को बुलाकर इस भव्य मोनेस्ट्री का सृजन किया। फ्रेंड्स, वी हैव फाइनली रीच्ड टू द लास्ट स्पॉट ऑफ द डे, दैट इज द लिकेट मोनेस्ट्री। फ्रेंड्स, एक बात तो है कि किसी भी मोनेस्ट्री में कहीं भी जाना हो लेह में, तो आपको चढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा मांगती है आपसे, लेकिन वो वर्थ वाइल होता है, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं तो पूरा पैसा वसूल हो जाता है। ऑन द वे टू लिकेट मोनास्ट्री यू विल कम अक्रॉस दिस ग्रेट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। यू विल फील दैट इट इज स्टीयरिंग एट यू। लिकेट मोनास्ट्री को बनाया गया था 1065 AD में तब के लद्दाख के राजाओं द्वारा, लेकिन एक भीषण आग से इस पूरे गोम्पा को काफ़ी क्षति पहुंची थी, और उसके बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया था 18वीं शताब्दी में। ये लेह सिटी से 52 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है, और ये एक बहुत ही खूबसूरत हिलॉक पर बना हुआ है। थोड़ी चढ़ाई करके जानी पड़ती है आपको ट्रैकिंग करके, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखता है लिकेट मोनेस्ट्री से। और जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है लिकेट मोनेस्ट्री का, वो है ये 75 feet टॉल मैत्रेय बुद्धा, जिस पर सोने का पानी भी चढ़ा हुआ है। ये गोल्डन स्टैचू एक बहुत ही भव्य रूप प्रदान करता है लिकेट मोनेस्ट्री को। और फ्रेंड्स, लिकेट मोनेस्ट्री यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है। आलची मोनेस्ट्री जो हमने अभी देखा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी, रखरखाव भी लिकेट मोनेस्ट्री से ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए,
अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए वीडियो को। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब मैं मिलूंगा आपको कल विद ए न्यू वीडियो, जब हम ले को अलविदा कह के नुब्रा वैली की ओर जाएंगे। बहुत ही सीनिक टूर होने वाला है ले टू नुब्रा वैली। इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।